हाय माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल औरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहां से आपको अच्छे गाइडेंस ही मिले। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। भगवान जी प्लीज बताइए। फाइव ऑफ कॉइन्स, ओके। द डेविल, जस्टिस, सेवन ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। देखिए, अर्थ एलिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन एलिमेंट्स तो वैसे यहाँ पे सारे ही हैं, लेकिन अर्थ एलिमेंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन के बहुत सारे चैनल मैसेजेस हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो कुछ चीज़ों से बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं। हो सकता है उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, घर में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हो, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है। वो अपने मेंटल लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे, इमोशनल लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे एंड एक्चुअल में और भी लोगों के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन उनकी बनी हुई है। इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है एंड अपनी लाइफ में वो जगल कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये हो सकता है कि फिनांस को लेके जगल कर रहे हो सकता है उनकी फिनांशियल सिचुएशन बहुत अच्छी ना हो, फिनांशियल कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपको लेके। बहुत स्ट्रांग, यू नो, एक एक पैशन है उनके दिल में आपको लेके, या बट ये थोड़ा सा टॉक्सिक है। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत अबंडेंट हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत आप अपना अच्छे से कर रहे हो, अपनी लाइफ आप अपनी अच्छे से एंजॉय कर रहे हो एंड आपके पर्सन अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, है ना? तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब आप उन्हीं के हो, आपने किसी और के पास जाना नहीं चाहिए एंड आपके पर्सन जो है ये सारी प्रॉब्लम से उठ के, ये सारे चैलेंजेस से उठ के, ये सारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से उठ के अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फिनांस ग्रो करना चाहते हैं एंड आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके पर्सन को पता है कि इस समय वो कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, वो कुछ ना कुछ अपने कर्मास भुगत रहे हैं एंड उन्हें ये पता है कि वो आपको जस्टिस तभी देंगे जब वो अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है? तो वो फिनेंशियली सॉलिड होके, फिनेंशियली साउंड होके आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड बहुत हैवी मैस्कुलिन एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है आपके मैस्कुलिन हो। इस समय आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में बुरी तरीके से स्टक है, बुरी तरीके से स्टक है। वो आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को आगे कैसे लेके जाना है, अब कैसे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है कि ये कनेक्शन ग्रो हो, बहुत ब्यूटीफुल वे में ग्रो हो। आपके पर्सन चाहते सब कुछ है, उनके जहन में सब कुछ है, लेकिन वो थोड़े से हेल्पलेस है, बंधे हुए हैं इस समय, जो मैं फील कर पा रही हूँ। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्योंकि आपके बगैर वो बहुत अधूरे हैं और इनफैक्ट आप भी उनके बगैर बहुत अधूरे हो,
ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो, एक अट्रैक्शन फील करते हो, एक अफेक्शन फील करते हो, एक खिंचाव फील करते हो। आप हो सकते हैं उनकी फेमिनाइन हो। मुझे लगता है आपके पैसे ना आपके साथ मिलके कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एक वो एक अच्छा वे होगा अगर वो आपके साथ मिलके कुछ ग्रो करते हैं, है ना, तो शायद वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रह पाएंगे और वो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे या फिर आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उनके जहन में कुछ तो ऐसा है कि उन्हें आपके साथ ग्रो करना है, डेफिनेटली उन्हें आपके साथ ग्रो करना है, उन्हें कुछ काम करना है। शायद ये हो सकता है कि इस कनेक्शन में किसी तरह की पार्टनरशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आप लोग कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, इनफैक्ट किसी तरह के पार्टनरशिप में आके। बट इस समय आपके पर्सन को बहुत हैवी एंग्जाइटी है, वो रात में सो भी नहीं पा रहे, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, देखिए वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक फुलफिलमेंट चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। वाह, द लवर्स, द लवर्स, क्योंकि आपके बगैर रह पाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। शायद एक फियर ऑफ लूजिंग भी हो, देखिए, और हो सकता है ये कनेक्शन, आई डोंट नो, ये हो सकता है शायद आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। देखिए ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनाइन है, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला मुझे, आई डोंट नो, वही चैनल्ड हुआ। मे बी ये हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, या एज डिफरेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है शायद 20 ईयर्स का डिफरेंस हो या 30 ईयर्स का डिफरेंस हो, तभी ऐसी एनर्जी आई है, या फिर ना हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। या फिर स्किन कलर या फिर स्किन टेक्सचर में बहुत डिफरेंस हो सकता है ना, बट जो भी है, जो भी है, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। ये तो बहुत श्योर है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग और डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, व्हाटएवर। या वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपके पर्सन को ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी है कि शायद आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो इस समय, है ना, बिकॉज़ यहाँ पे तो हम उन्हीं के मैसेजेस देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं आपको लेके, या फिर इस कनेक्शन को लेके, या फिर इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या हो सकता है उस चीज़ों को लेके। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत बैलेंस देखते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट देखते हैं, बहुत अबंडेंट देखते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत साउंड हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं उनके क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं आपको लेके। भगवान जी प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। इनर पीस बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लव सोलमेट आपके पसंद। देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको डेट करना चाहते हैं, है ना, वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील करते हैं वो आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं एंड आपके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए फील करते हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे होंगे आपके पर्सन, या फिर कुछ जनरल राइटिंग कर रहे होंगे, बट डेफिनेटली योर पर्सन इज डूइंग समथिंग टू मैनिफेस्ट यू इन देयर लाइफ। एंड कहीं ना
ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने आप को बदल रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्म्ड कर रहे हो अपने आप को, अपने अंदर बदलाव ला रहे हो। हो सकता है कि पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में रहते हो, पेजेस वाले एनर्जी में रहते हो, राइट, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी ना हो उनमें, लेकिन धीरे धीरे अब आपके पर्सन अपने आप को बदल रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आपके पर्सन देखिए प्यार बहुत स्ट्रांगली आपसे करते हैं। आपके पर्सन मुझे लगता है अगर कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई है, तो वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है? तो जितना हो आप पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज जितना आप एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचोगे उतना ही कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा, एंजल ऑफ लव। हो सकता है आपने उनकी लाइफ 360 डिग्री बदल दी हो, आपने उनकी लाइफ में प्यार का परसेप्शन चेंज कर दिया हो सकता है कि प्यार का, अनकंडीशनल लव का एक्चुअल मीनिंग सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपसे ही सीखा हो। या एनवी, जेलस, अब ये कार्ड क्यों आया है? पूरे जलन है किसी ना किसी चीज़ की। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दिस एनर्जी एट ऑल। आपके पर्सन को जलन तो है, इसलिए मैंने कहा ना इमेच्योर एनर्जी में है। अगर बहुत मेच्योर होते या फिर वो बहुत अभी भी उस एनर्जी में होते कि अगर आपके पर्सन एकदम अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपसे, तो ये कार्ड नहीं आता था, राइट? तब हम सब ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन से ऊपर उठ जाते हैं व्हेन वी एक्चुअली एंड ट्रूली लव समवन। फिनेंशियल इश्यूज, ये हो सकता है कि इस समय आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ फिनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली चल रहे हैं। मैन होल्डिंग ए हर्ट, आपने उनका दिल चुराया हुआ है। आई वुड लाइक टू चेक दिस, वाई दिस कार्ड पॉप अप? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जलन में भी ये हो सकता है कि शायद आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको बिट्रे कर दिया हो, आपने उनको छोड़ के आप किसी और के पास चले गए हो, आप किसी और को एंटरटेन करने लगे हो, है ना? ये उनके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, इसलिए उन्हें जलन है। ये कुछ तो भी ऐसी चीज़ है, या ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मन ही मन बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ये वो हो सकते हैं, ठीक है? शायद आप हो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या नहीं भी हो, क्योंकि वो तो क्लैरिफाई नहीं किया है हमने, बट हाँ आपके पर्सन को डेफिनेटली बहुत जेलसी। इफ़ यू आर एंटरटेनिंग समबडी एल्स अदर देन योर पर्सन, तो वो चीज़ उनके बर्दाश्त के बिल्कुल बिल्कुल बाहर है, वो ये चीज़ बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे। दो कार्ड और ले लेते हैं। ओके, प्लीज़ वेट फॉर मी। डेफिनेटली आप लोग के कनेक्शन में कुछ चल नहीं रहा है अभी, और वो यही कह रहे हैं प्लीज़ वेट फॉर मी, आप उनका इंतज़ार करिए। हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, अगर आप उन्हें इग्नोर करें तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को इग्नोर मत करें, बिकॉज ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही है, समथिंग लाइक दैट। आई वॉन्ट टू डू हर्ट टू हर्ट कॉन्वर्सेशन विद यू, आपके पर्सन को आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है, वो अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड वो ये चाहते हैं कि अगर आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेके आप वो एक्सप्रेस करें। यू आर वेरी स्पेशल, हो सकता है आपने उनको बहुत स्पेशल फील कराया हो उनकी लाइफ में, इसीलिए वो आपको कह रहे हैं यू आर वेरी स्पेशल, या फिर आपने उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज करी है, आपने उनकी लाइफ में बहुत सारे ये भी हो सकता है कि जब से आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हो, छोटे बड़े बदलाव आए हो, समथिंग लाइक दैट।
आई नो आई एम रिस्पॉन्सिबल, कुछ तो गड़बड़ करी है आपके पैसे में, आई एम बैडली स्टक, वही आपको बताना चाहते हैं कि वो किसी न किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक है, और ये हो सकता है कि फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो, आपके पर्सन किसी ना किसी फिनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हो, या फिर कुछ फैमिली के इश्यूज हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में बुरी तरह स्टक है। आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, वेरी नाइस। फाउंड स्पिरिचुअलिटी एंड गिफ्ट, थोड़े स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत अच्छी बात है। यू आर माई पैशन, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद यू, येस, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करते हैं, एंड येस, वो ऑब्सेस तो है, तभी डेविल का एनर्जी था। नाउ आई कैन कनेक्ट ऑल डॉट्स ऑफ आर जर्नी, येस, आप लोग कब से जुड़े हुए हो, या फिर आप लोग की लाइफ में क्या हुआ है। नाउ योर पर्सन इज एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग, एंड उन्हें समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो भी आप दोनों का डिवाइन पर्पस है, या कुछ तो भी आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। यू कम इन माई ड्रीम, हो सकता है आप अपने पर्सन के ड्रीम में आते हो, या फिर आपके पर्सन को आपके बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, और यूजुअली ये तभी होता है जब आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, या फिर या आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर सोल कनेक्शन में हो, तब यूजुअली आपको ड्रीम्स आते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के। आई एम डाइंग टू सी यू, आपके जो भी पर्सन है वो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले।